हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इंडस यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके बाइक के बारे में, रमजा के बारे में जान रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स का आना जाना लगा हुआ है। तो ये बाइक जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेडीज़ के लिए है, जेंट्स के लिए भी है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स में लड़कियाँ भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं जो बाइक का रिव्यू ले रहे हैं और टेस्ट राइड कर रहे हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पर टेस्ट ड्राइविंग का हमारी तरफ से हो रहा है और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और हमने अपने कई मॉडल यहाँ पर, लेटेस्ट मॉडल कमांडर भी यहाँ पर रखवाया है, ताकि जनरल लोग इससे हों, स्टूडेंट्स लड़के लड़कियाँ सब इसको चला रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ताला इनके लिए बहुत अच्छी एक राइड और सवारी बनेगी, चीप भी होगी और मुस्तहकम भी होगी। जिस तरह ये बाइक्स हम लोगों को ट्रायल की दी है, बहुत अच्छा लगा चला के। और आई थिंक ये होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरह का हमारी फील्ड है मीडिया की बेसिकली, और हमारे आने जाने के लिए इजी रहता है, क्योंकि हमारा कोई टाइम नहीं होता मीडिया का कि किसी भी टाइम शूट स्टार्ट होता है और किसी टाइम भी होता है, और हम लोग फंस के ढक्के खा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है हमारी लड़कियों के लिए कि वो किसी भी टाइम किसी भी तरह मतलब अपनी बाइक्स पर ट्रैवल कर सकती हैं ईजीली। जो न्यू बाइक आई है रमजा के नाम से, ये हमने टेस्ट ड्राइव भी लिए और इनफैक्ट हमने तो पंपलेट वगैरह भी ले लिए, बहुत अच्छी लगी है। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू बाय दिस। इलेक्ट्रिक बाइक जो हैं वो अब तो आ रही हैं और बहुत अच्छी हैं। इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, तो हम इस चक्कर में जो है ईवी के ऊपर जा रहे हैं कि पेट्रोल सेव हो। और बाइक बहुत अच्छी है, ये चलने में भी बहुत अच्छी है। अब देखते हैं कि मतलब बैटरी टाइमिंग के अंदर 130 भी चलती है, तो 130 किलोमीटर बहुत अच्छा रेंज है इसकी, 130 किलोमीटर। और मोटर्स वगैरह जो यूज़ हुई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं इसके अंदर। अच्छा, ग्रेट एक्सपीरियंस आया है टुडे दैट आई हैव राइड दिस ईवी बाइक, एंड राइट नाउ अदर स्टूडेंट्स इज ऑल्सो डूइंग, बट देयर इज अ सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज द पेट्रोल प्राइस इज गेटिंग हाई डे बाय डे। So such a great initiative by the company and we much very much like these all these things. Thank you very much. तो मुझे इस बाइक में ये बात अच्छी लगी कि इसमें जो पेट्रोल का जो इशू है ना, वो बिल्कुल ही जैसे काफ़ी हद तक है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमें पेट्रोल की कोई भी कॉस्ट नहीं निकालनी पड़ती। और जो इसके जो ऊपर के जो खर्चे होते हैं ना, वो भी हमें किसी मैकेनिक को दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी इसको डील करती है। और उसमें एक बात मुझे एक और अच्छी ये लगी कि 18 महीने की है ना ये वारंटी हमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम क्लेम कर सकते हैं 18 महीने के अंदर अंदर, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और उसमें मेरे ख्याल से सारे खर्चे बहुत कम हो जाते हैं और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बाइक ये आजकल 140, 150 या 120 तक की आ रही है। और ये जो बाइक है मेरे ख्याल से 180 और 200,000 या 210 तक में भी इतनी बुरी नहीं है। तो मेरा ओपिनियन ये कि सही बाइक है ओवरऑल, जो मेरा ये ओपिनियन है। मैंने अभी एक्सपीरियंस किया बाइक चला के, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस बाइक का, थैंक यू। और अभी ना यहाँ पर आपके सामने जिस तरह बैकग्राउंड पे देख रहे हैं कि बाइक्स वगैरह आएंगी, इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है, जिसमें आप फ्री राइड अभी मैंने ट्राई करी है। और वैसे तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं करी थी इलेक्ट्रिक बाइक, बट आज मैंने फ़र्स्ट टाइम राइड करी और काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हुआ, बिकॉज जो अभी पेट्रोल के अपने फ्यूल के पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं ना, उसके हिसाब से सजेस्ट मैं करूँगा कि इलेक्ट्रिक की तरफ आना चाहिए। दुनिया जान में तो चल रही है, पाकिस्तान थोड़ा सुस्त चल रहा है और हमेशा से चलता आ रहा है, तो हम लोगों को खुद से ना थोड़ी बहुत तरक्की कर लेनी चाहिए यार, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है। चलें इलेक्ट्रिक बाइक से स्टार्ट करते हैं। और ये बाइक इलेक्ट्रिक है और आराम से मतलब फीमेल के लिए बहुत कन्वीनियंट है, आराम से चल जाती है और इसके लिए मतलब पेट्रोल का खर्चा भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पे, और मैंने चलाई है, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगी। एंड जो हमारी राइड थी इस बाइक की वो बहुत मज़े की थी, बहुत स्मूथ चल रही है बाइक।